कहते हैं अगर गर्मियों की बात करें तो 5 से 10 लाख लोग दिन में यहाँ खाना खाकर जाते हैं। 50 क्विंटल आटा एक बारी में लग जाता है। 5 लाख लोगों का खाना बनाना हो और 3 क्विंटल दाल बनानी हो तो उसमें क्या क्या डलता है? क्या क्या डलता है जी? 25 किलो प्याज, 25 किलो प्याज, 7 किलो तेल, 10 किलो देसी घी, 4 किलो मिर्च, 4 किलो अदरक, 1.5 किलो हल्दी, 1/2 किलो मसाला। तो यहाँ इतने इतने बड़े कढ़ाई देखने को मिलेंगे। तो बाबा जी 10 लाख लोगों के लिए खाना कितनी बार बनता है? लगातार बनता रहता है। और कितने एक टाइम में कितने लोगों का खाना? अब ऐसे है कि जहाँ ऊपर लोहा चलती है और मशीन चलती है। 50 क्विंटल आटा एक बारी में लग जाता है। जो हम आटे की बात कर रहे हैं, मतलब सुबह 6 बजे जो है वो मशीन शुरू होती है जिसमें चपातियाँ बनती है। चपातियाँ बनती है और वो शाम के 5 बजे तक लगातार चलती है। शाम के 5 बजे तक, तो लगातार अराउंड ये 11 घंटे हो जाते हैं जिसमें ये मशीन चलती रहती है। तो चलिए अब किचन देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे किचन में यहाँ पर कम से कम 5 से 10 लाख लोगों का खाना बनता है। तो कैसा है किचन दरबार साहब का, आइए दिखाते हैं। तो ये जो किचन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है असल में इमरजेंसी किचन। ये वो किचन है जहाँ पर कढ़ाई तो आप देखेंगे काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये अभी छोटी कढ़ाइयाँ हैं जिनको देख बोलते हैं जिसमें बन रही है खाना। लेकिन इमरजेंसी किचन उसको कहते हैं कि जब जल्दबाजी में खाना चाहिए होता है कि कम पड़ गया खाना, गरम गरम बनाना है, तो इस इमरजेंसी किचन का इस्तेमाल होता है। तो ये जसकरण है जो यहाँ सेवा कर रहे हैं। अभी ये हमको लेकर जा रहे हैं मेन जो किचन है दरबार साहिब का, तो वहाँ देख के हम लोग आपको दिखाते हैं कि वहाँ का जो किचन है वो कैसा है। और इनका ये कहना है जो इमरजेंसी किचन अभी हमने देखा वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ इतने इतने बड़े कढ़ाई देखने को मिलेंगे। हीरा सिंह जी हमें दिखाने वाले हैं अभी कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनता है। इनका ये कहना है, मैंने इनको जब इनसे बात शुरू हुई तो मैंने इनको बोला कि आप यहाँ के हेड हैं, तो इन्हें बोला हेड एक ही है परमात्मा, मैं यहाँ का सेवादार। तो ये सेवादार है यहाँ की। लगभग 5 लाख लोगों का खाना 24 घंटे में एक दिन में बनता है यहाँ। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे ये किचन को चलाते हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आइए हीरा जी बताइए। और सुबह जो 6 बजे संगत जो है खाना खाना शुरू करेगी उनके लिए अभी से तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये गाजर हो गई और ये तड़का गाजर का, मतलब ये जो तड़का बनता है कि ये सारी सब्जियों के लिए एक साथ बनता है। तो ये जो तड़का है वो सिर्फ गाजरों के लिए बनता है। कितना घी डलता है? 35 किलो घी डलता है इसमें। तो बाकी क्या क्या चीजें डलती है? मसाला, जीरा, प्याज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर उसमें कैसे शिफ्ट करते हैं? अच्छा, पीपे के जरिए। ये पीपा मतलब ये एक तरह के जो घी के टीन होते हैं उनको यहाँ पे पंजाबी में पीपा बोला जाता है, कनस्तर कह सकते हैं। तो इसके जरिए जो है फिर शिफ्ट किया जाएगा मसाला सब्जी बनने के बाद, तो उनको मिक्स करते हैं। यहाँ बनती है दाल 3 क्विंटल, 300 किलो के आसपास इसमें अभी दाल डाली जाएगी। तो ये दाल पकेगी कितने देर पक सकता है?
चार घंटे में दाल जो है यहाँ तैयार हो जाएगी, तैयार होने के बाद 12 क्विंटल मतलब पानी मसाला सब कुछ डालने के बाद दाल जब फूल जाएगी बन जाएगी तो लगभग 1200 किलो के आसपास दाल यहाँ तैयार हो जाएगी, जिसको पूरे दिन में संगत जो है वो खाएगी। आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ जो फर्श है वो इतना गर्म है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि नीचे भट्टियाँ हैं वो चल रही हैं जिसमें ये दाल बनेगी, लेकिन मैं इनको पता नहीं है किस तरह से यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनको बिल्कुल भी वो गर्मी यहाँ लग नहीं रही। ये सेवा का ही प्रताप है। यहाँ से सीधे आग से कड़ाहे में गर्मी नहीं जा रही है, बीच में एक पानी की टंकी है, उसमें पानी को आग जो है पानी को गर्म करती है, वो तपता है खौलता है, उसके बाद वो जो गर्मी है वो कड़ाहे में जा रही है जिसमें सब्जियां बनती हैं। तो ये एक अलग तरह का फंक्शन है, शायद यही एक कारण भी है कहीं ना कहीं जिससे स्वाद जो है वो अलग हो जाता है। ये घी है, ये अगर मैं देखूं तो नमक है, ये सारा नमक पड़ा हुआ है, और इनका ये कहना है कि जो दाल बन रही है 3 क्विंटल उसमें कम से कम 18 किलो नमक जो है उसमें डलेगा एक बारी में। 1 क्विंटल में 6 किलो नमक डलता है, 1 क्विंटल में 6 किलो नमक 25 किलो 1 क्विंटल। ये रेसिपी देख लीजिए, अगर आपको कभी 5 लाख लोगों का खाना बनाना हो और 3 क्विंटल दाल बनानी हो तो उसमें क्या क्या डलता है, क्या क्या डलता है जी? 25 किलो प्याज, 7 किलो तेल, 10 किलो देसी घी, 4 किलो मिर्च, 4 किलो अदरक, 1.5 किलो हल्दी, 1/2 किलो मसाला। और क्या डलता है जी? और भी कुछ? वो दो मरी और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, वो डलता है ना जी? यहाँ पे आदमी कुछ नहीं कर सकता, जो करता है परमात्मा आप ही करता है। तो हमने आपको दिखाया वो कम्युनिटी किचन जहाँ पर लगभग 24 घंटे में 5 लाख लोगों का पेट भरा जाता है, लेकिन ये कोई एहसान नहीं, इसे सेवा समझकर किया जाता है, गुरु की सेवा। ये जो लंगर हमने आपको दिखाया उसकी कड़ी दर कड़ी हमने आपको बताया कि किस तरह से जुड़ती चली जाती है और आखिर में वो प्लेट में प्यार और खाना दोनों परोसा जाता है। तो ये है दरबार साहिब का वो फेमस किचन जो अभी आपने देखा। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो अपने फोन से इस वीडियो को शेयर करें और अनकट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।